हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग भी 20,000 रुपये से कम के प्राइस में नया गेमिंग स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, या फिर एक नया कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, या फिर ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो आज के टॉप 5 स्मार्टफोन का वीडियो आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप लोग भी अपने लिए नया कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, वो भी पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर के साथ, तो 5th नंबर पे आता है Redmi का Note 11s। Redmi के Note 11s को 17,499 रुपए के प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। Redmi के Note 11s का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका क्वाड रियर कैमरा सेटअप। 108 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी के तीन कैमरे 8+2+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद एलईडी फ्लैश लाइट के साथ। वही सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही Redmi के Note 11s का दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका गेमिंग प्रोसेसर। मीडियाटेक का हेलियो G96 का गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 108 मेगापिक्सल के कैमरा सेटअप के साथ साथ काफी अच्छा गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो 6.43 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और गेमिंग के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए डिस्प्ले में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। बैटरी सेगमेंट का अगर बात करी जाए तो 5000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 33W के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और सिक्योरिटी फीचर के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है Redmi के Note 11s में। आप लोग भी नियर स्टॉक एंड्रॉइड वाला ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, जिसमें गेमिंग के लिए एक अच्छा प्रोसेसर हो, फोटोग्राफी के लिए एक अच्छा कैमरा सेटअप हो, बिग बैटरी का सपोर्ट देखने को मिल जाए, तो 4th नंबर पे आता है मोटो का G60। मोटो के G60 को 17,999 रुपए के प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाई कर सकते हैं। मोटो के G60 का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये एक पहला ऐसा स्मार्टफोन जिसमें 108 मेगापिक्सल के कैमरा सेटअप के साथ साथ पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। मोटो के G60 में बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 108 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वही फोन के बैक कैमरे से आप लोग 4K वीडियो भी आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस रेंज में आप लोगों को फ्रंट और बैक दोनों में काफी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। दूसरे सबसे बड़े एडवांटेज की अगर बात करी जाए तो मोटो के G60 में गेमिंग के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। बैटरी सेगमेंट के लिए अगर बात करी जाए तो 6000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और आप लोगों को 20W का टर्बो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो 6.8 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और गेमिंग के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है मोटो के G60 में। भी सैमसंग का नया गेमिंग स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो 20,000 रुपए से कम के प्राइस में, तो 3rd नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। गैलेक्सी के F23 5G को 16,999 रुपए के प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। गैलेक्सी के F23 5G का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका पावरफुल 5G गेमिंग प्रोसेसर, क्योंकि इस प्राइस रेंज में और कोई ऐसा स्मार्टफोन नहीं जिसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाए, जो कि गैलेक्सी के F23 5G में आप लोगों को 750G का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक अच्छे गेमिंग प्रोसेसर के साथ साथ 6.6 इंच की फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की क्वालिटी इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती, पर डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो 5000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 25W के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं गैलेक्सी के F23 5G में बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसमें 10x डिजिटल जूम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ।
वहीं सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है गैलेक्सी के F23 5G में। आप लोग भी अपने लिए नया ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो जिसको लॉन्ग टाइम तक काफी अच्छे से यूज कर सके, मतलब 5G नेटवर्क का सपोर्ट भी देखने को मिल जाए, तो सेकंड नंबर पे आता है IQOO का Z3 5G जिसे 19,999 रुपए के प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। IQOO के Z3 5G का भी एक सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका क्वालकॉम का पावरफुल 5G गेमिंग प्रोसेसर। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 20,000 रुपए के प्राइस को देखते हुए आप लोगों को काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। एक अच्छे गेमिंग प्रोसेसर के साथ साथ 6.58 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और गेमिंग के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जहां IQOO का Z3 5G गेमिंग के मामले में बेस्ट है, वहीं यह स्मार्टफोन कैमरे के मामले में बेस्ट है क्योंकि बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी के दो कैमरे 2+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वहीं फोन के बैक कैमरे से आप लोग 4K वीडियो भी आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं IQOO के Z3 5G में 4400 mAh की एक बैटरी मिल जाती है, 55 वाट का फ्लैश चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और सिक्योरिटी फीचर के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है IQOO के Z3 5G में। अगर आप लोग भी 20,000 रुपए से कम के प्राइस में फ्लैक्सी गेमिंग प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो फर्स्ट नंबर पे आता है पोको का X3 Pro। पोको के X3 Pro को 19,999 रुपए के प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। पोको का X3 Pro पहला ऐसा स्मार्टफोन जिसमें 20,000 रुपए से कम के प्राइस में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 860 का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। एक अच्छे गेमिंग प्रोसेसर के साथ साथ 6.67 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और गेमिंग के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो 5160 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 33 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। पोको के X3 Pro में बैक में क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी के तीन कैमरे 8+2+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। वही फोन के बैक कैमरे से आप लोग 4K वीडियो भी आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है पोको के X3 Pro में।